यदि लड़का लड़की दूर है, एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो क्या सेक्स चैट करना चाहिए, फोन सेक्स करना चाहिए? इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दो कंसेंटिंग पार्टनर यदि है और अबो 18 ईयर्स है, तो उन्होंने सेक्स चैट किया तो वो अनलॉफुल होता नहीं है। मगर 18 साल के नीचे के साथ में यदि सेक्सटिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली वो अनलॉफुल हो जाएगा और एक क्रिमिनल एक्ट हो जाएगी। वैसे ही पोर्नोग्राफी करना या पॉर्न वीडियोस भेजना या न्यूड पिक्चर्स भेजना या सेक्सुअली अराउजेबल पिक्चर्स भेजना, ये भी गुनाह हो सकता है। तो ये सेक्सटिंग क्या होता है? सेक्सटिंग ये होता है कि भाई आपके न्यूड फोटोग्राफ्स या सेक्सुअली अराउजेबल फोटोग्राफ्स या कोई भी ऐसे फोटोग्राफ जिससे सामने वाला व्यक्ति एक्साइट हो जाएंगे सेक्सुअली, ऐसे फोटोग्राफ भेजना, इसको सेक्सटिंग बोलते हैं। आप सेक्स चैट करते हैं या उसमें फोटोग्राफ्स भेजते हैं या वो भेज के मास्टरबेट करवाते हैं, तो फिर वो एक ऐसा काम है कि जो लीगली अलाउड नहीं है, और 18 साल के नीचे तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है। कंसेंटिंग पार्टनर के बीच में ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऐसा होता है कि दोनों को एक्साइटमेंट मिलता है। लड़की को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे न्यूड फोटोग्राफ भेजे तो उसको अच्छा लगेगा, अपना होने वाला पति है वो, या दूर रहने वाला पति है उसको अच्छा लगेगा, या अपना बॉयफ्रेंड है उसको अच्छा लगेगा, या यदि मैं वो न्यूड फोटोग्राफ नहीं भेजूंगी या सेक्सटिंग नहीं करूंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, रिलेशनशिप टूट जाएगी वगैरह वगैरह। अब ये डर है, देखो रिलेशनशिप टूटना ही है और ये कारण से टूटी है तो बिल्कुल तोड़ना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी भी बड़ा हो सकता है। कल कोई भी कारण से यदि रिलेशनशिप टूट गई, कोई भी कारण से, तो ये ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपके फोटोग्राफ कहीं भी एक सेकंड में कहीं भी शेयर हो जाएंगे, कहीं भी किसके भी हाथ में लग सकते हैं, गलती से लग सकते हैं, जानबूझकर लग सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो इसलिए ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, पति पत्नी है, दोनों कंसेंटिंग है, दोनों को इच्छा है, चलो करो, मगर पता नहीं क्या होगा, कौन से समय कहाँ गलती से। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट पोस्ट जो है गलती से वो कॉपी की रहती है, हम कहीं और कुछ कॉपी करना चाहते हैं, नेक्स्ट पोस्ट और किसको भेजना चाहते हैं, पहली पोस्ट मैंने कॉपी करके रखी हुई है वो वहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि नई पोस्ट में पेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो पुरानी वाली पेस्ट हो जाती है और भेजी जाती है। मतलब ऐसा कुछ तो भी गलती से भी हो गया तभी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये सेक्सटिंग करना या सेक्स वीडियोस भेजना या मास्टरबेशन करने के लिए पॉर्न वीडियोस भेजना, खुद के फोटोग्राफ्स भेजना, न्यूड फोटोग्राफ्स भेजना, फोन सेक्स करना, ये ठीक नहीं है। ये कितना भी अच्छा लगे, कितना भी एक्साइटिंग लगे, तभी ये करना ठीक नहीं है। आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना है, जरूर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आई लव यू, आई मिस यू, चलो ऐसे मैसेजेस भेजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये मैसेजेस जो है वो यदि सेक्स ड्राइव से ओरिजिन हो जाते हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, वो भी शेयर हो सकते हैं और प्रॉब्लम आ सकता है। आपको एक वार्निंग है, मगर आज इतना ये कॉमनली होता है कि इसमें कहीं भी कुछ भी ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है और ब्लैकमेल हो सकता है। तो आपको अच्छा लगा तो सभी यंग लोगों को शेयर करो। आज क्या है कि सबके पास में मोबाइल से, एंड्रॉयड फ़ोन से, आईफोन से कहीं भी कुछ भी शेयर करते हैं लोग, शेयर करने के समय उनको बहुत एक्साइटमेंट लगती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं मालूम नहीं होता है। तो ये जरूर शेयर करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।